लखनऊ आम महोत्सव में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप सभी को उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनिक फसलों में जो संभावनाएं हैं, हमारे किसानों और बागवानों की इस मेहनत को देखने का एक अवसर आप सबको प्राप्त होगा और आपके माध्यम से उन्हें न केवल प्रदेश में बल्कि देश और दुनिया के अंदर भी उनके उत्पाद को एक स्थान प्राप्त होगा। इसलिए आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 3 दिवसीय आम महोत्सव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर जो लगभग 1000 वैरायटी के आम का उत्पादन होता है, इस आम को जून से लेकर के अगस्त के अंत तक हमने केवल उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को बल्कि देश की 140 करोड़ की आबादी समेत दुनिया के अलग अलग देशों में जो मांग है उसके अनुरूप आपूर्ति करने में सफल होंगे। इस दृष्टि से आज के इस आम महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ समय से जो थोड़ा प्रयास किया गया आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। अभी मैंने यहां पर 2 टन आम जो लखनऊ से निर्यात किया जा रहा है मास्को के लिए, अभी हमारी टीम आम रस का जो महोत्सव मास्को में आयोजित किया गया था जिसमें उद्यान मंत्री और कृषि उत्पादन आयुक्त गए थे, वहां पर आम की मांग क्या है आप अनुमान इसी से कर सकते हैं कि 800 रुपए किलो वहां आम प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश के आम की डिमांड वहां बहुत ज्यादा थी। 190 रुपया केवल यहां से कार्गो के माध्यम से आम को भेजने में लगेगा, यानी अगर कोई किसान आम को वहां भेजेगा तो 600 रुपए प्रति किलो की उसकी नेट प्रॉफिट होगी। आप मान सकते हैं मार्केट रेट से कई गुना दाम। ऐसे ही खाड़ी के देशों में, यूरोप के देशों में इस उत्पाद को पहुंचाने के लिए सबसे अच्छा समय है। और जैसे आज हम लोगों ने मास्को के लिए, बहरीन के लिए, दुबई के लिए आम का निर्यात जिसमें 12 टन आम बहरीन के लिए और 1 टन आम दुबई के लिए भी आज यहां से भेजा जा रहा है, एक प्रयास है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को लेकर के कहते हैं किसान की उत्पाद को एक मार्केट उपलब्ध कराना, बीज से लेकर बाजार तक की इस दूरी को कम करने में सहयोग सरकार करेगी। यद्यपि प्रदेश सरकार प्रदेश के औद्यानिक फसलों के लिए आम आदि के लिए निर्यात में सुविधा उपलब्ध कराती है और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ साथ ही मार्केट उपलब्ध कराने का एक माध्यम बना है। मास्को का यह उदाहरण या बहरीन और दुबई का यह उदाहरण या तमाम यूरोपियन देशों के उदाहरण यहां के किसानों के लिए या और बागवानों के लिए एक माध्यम बन सकते हैं। और उस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश के अंदर 4 स्थानों में टेक हाउस बनाए हैं, मुझे अभी पिछले दिनों वाराणसी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वाराणसी में 2 टन आम हम लोगों ने उस दिन दुबई के लिए वहां से एक्सपोर्ट किया था, उन्हें रवाना किया था। वाराणसी पैक हाउस से एक कार्यक्रम हुआ, सहारनपुर से, अमरोहा से, लखनऊ से, ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी जहां पर हमारे पास औद्यानिक फसल है, औद्यानिक फसल के साथ साथ यहां की सब्जी की मांग भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके अनुरूप क्वालिटी देना, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है। उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के अनुरूप आपूर्ति के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा।
यहां महोत्सव एक अवसर है आपके लिए, और मैं इस अवसर पर कृषि उत्पादन आयुक्त भी यहां पर है, उद्यान विभाग के निदेशक और अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, उन सबसे कहूंगा कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले हमने अलग अलग देशों में टीम भेजी थी। ये टीम वहां गई थी, दुनिया के अंदर गई थी, दुनिया के उद्यमियों को उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए आमंत्रित किया था। देश के अंदर भी अलग अलग जगह टीम हमारी गई थी, मंत्री समूह गए थे, और हमें अपने यहां जिन भी औद्यानिक फसलों के लिए हो या वेजिटेबल्स के लिए हो या फिर अन्य खाद्यान्न आदि के लिए एक्सपोर्ट की इन संभावनाओं को तलाशने के लिए वैश्विक बाजार को टटोलना होगा, वहां पे जाना होगा, वहां पे एग्जीबिशन को आयोजित करना होगा, और वहां पे जो हमारे मिशन है इनके माध्यम से इन संभावनाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा। मास्को एक अवसर आपको प्राप्त हुआ, ऐसे ही दुबई और बहरीन एक अवसर प्राप्त हुआ है, यूरोप का बाजार आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन वहां पे हमें जाना होगा। और मैं इस अवसर पर बागवानों से भी कहूंगा, किसान बंधुओं से भी कहूंगा, जो निर्यातक है उनसे भी कहूंगा कि वे सभी मिलकर के इस दिशा में सरकार के साथ मिलकर के दुनिया के बाजार में अपने उत्पाद को पहुंचाने के लिए उस प्रकार का उत्पादन और फिर उसे यहां से एक्सपोर्ट करने की संभावनाओं के साथ जुड़ेंगे तो किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। आम महोत्सव उसका एक मंच है। 3 दिवसीय आयोजन आपको अनेक वैरायटी के आम को देखने समझने का एक अवसर भी उपलब्ध होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए प्रदेश के देश के बाजार में भी और दुनिया के बाजार में भी हमारे बागवानों के उत्पाद को पहुंचाने में एक नए गंतव्य की ओर आगे बढ़ाने में मदद कर पाएगा। इस अवसर पर इस आम महोत्सव के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।